नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है और सत्ता तालिबान के हाथों में आ चुकी है, लेकिन अब भी अफगानिस्तान के लोगों की हालत खराब है, क्योंकि ना ही पैसा है और ना ही विदेशी कंपनियां हैं वहां, और ना ही किसी देश के वाणिज्यिक दूतावास हैं जो व्यापार को सुगम बना सके। अफगानिस्तान की जनता महंगाई की मार से मर रही है। भुखमरी, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं। तालिबान धीरे धीरे ही सही अपने आप को पटरी पर लाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन तालिबान से बहुत जल्दी चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। सभी देश अफगानिस्तान में आने से डर रहे हैं, क्योंकि ना ही पुलिस है और ना ही प्रशासन। सब तालिबानी लड़ाके ही हर तरफ देखने को मिल रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि तालिबानी लड़ाके अपनी मर्जी का काम करते हैं और वो देश ऐसे ही चलाते हैं जैसा फिलहाल आप देख रहे हैं। उसके लिए एक संविधान और कानून की जरूरत होती है, लेकिन तालिबान के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है और तालिबान के पास ये सब कुछ है भी नहीं। अब वही तालिबान दूसरे देशों को बुला रहा है और कह रहा है कि आप व्यापार शुरू करें हमारे यहाँ। उसी कड़ी में अफगानिस्तान तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्खी ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि वो हमारा समर्थक है। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए बल्खी ने कहा है कि भारत काबुल में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के मुताबिक कम से कम दूतावास के काउंसलर सेक्शन को खोल सकता है, क्योंकि हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों तालिबान भारत को बुला रहा है और इसका कारण क्या है। वैसे आपको एक जानकारी देते चलें कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। दूतावास बंद करने के बाद भी भारत ने कई तरह से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की। भारत ने अफगानिस्तान को कई टन गेहूं भेजे। इसके साथ ही भारत ने कोविड के टीके और अन्य जीवन रक्षक दवाइयां भी अफगानिस्तान भेजी हैं। बल्खी ने आगे कहा कि हम भारत समेत सभी देशों के साथ पारस्परिक सम्मान और हितों के आधार पर संबंध चाहते हैं। हम भारत द्वारा अफगान लोगों को प्रदान की गई मानवीय सहायता की तारीफ करते हैं और इसे सद्भावना के रूप में देखते हैं। हम उन लोगों को हमेशा याद रखेंगे जिन्होंने हमारी जरूरत के समय मदद की। हमारे पास भारत के साथ खुले संचार चैनल हैं और कई मौकों पर हम भारतीय प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। भारत द्वारा काबुल में दूतावास फिर से शुरू करने को लेकर उन्होंने कहा कि हमने सभी देशों से दूतावासों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है, ताकि आपसी हितों और चिंताओं को सीधे बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। लेकिन भारत को अगर पूरी तरह से दूतावास को खोलने को लेकर आपत्ति है, तो वो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के मुताबिक दूतावास के काउंसलर सेक्शन को खोलने पर विचार कर सकता है। बल्खी ने कहा है कि दो देशों के बीच अच्छे संबंध होने का मतलब यह नहीं है कि कोई तीसरा देश एक ही समय में दोनों देशों के साथ सकारात्मक संबंध नहीं बना सकता। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों तालिबान भारत की खुशामद कर रहा है। देखना होगा कि तालिबान की अपील को भारत स्वीकार करता है या फिर नहीं।